यादव जी का छोरा छा गया भैया। पहली बार भारतीय टीम में ऐसा हुआ है कि कोई खिलाड़ी आईपीएल में सिर्फ दो मैचों में अपनी रफ्तार से ऐसा कहर ढाया कि सीधे उसे क्रिकेट का सबसे बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जी हां, मयंक यादव को लेकर जो अपडेट सामने आ रही है उसे सुनकर अगर आप उनके फैन हैं तो झूम जाएंगे। यादव जी लोग किस तरह से पूरी दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं ये देख लीजिए, ये एक बानगी है। बीसीसीआई की तरफ से जो तोहफा मयंक को मिलने जा रहा है वो हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। मयंक का ये सपना सिर्फ 22 साल में पूरा होने जा रहा है, तो ये सिर्फ यादव समाज ही नहीं बल्कि देश के हर क्रिकेट फैन के लिए गर्व करने की बात है। जी हाँ, सिर्फ 22 साल का ये छोरा आईपीएल से उठकर सीधे भारतीय क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने जा रहा है। बजाइए ताली, रफ्तार के इस नए सौदागर को सलाम करिए। मोहम्मद शमी इस बार वर्ल्ड कप में नहीं होंगे, इसको लेकर हम सब लोग निराश थे कि वो कहर बरपाती जो गेंदें मोहम्मद शमी की थी क्या उस गेंदों की भरपाई हो पाएगी, तो भैया उसकी भरपाई करने के लिए यादव छोरा आ गया है। मयंक यादव गजब, मतलब क्या रफ्तार वाली गेंदें हैं यार, ऐसा कहर बरपाता है कि हर कोई उसका दीवाना हो गया है। 156 की स्पीड और सिर्फ 22 साल की उम्र में, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये रफ्तार का सौदागर आगे जाके क्या क्या करने वाला है। और आप खुद जानते हैं कि जब 156 की स्पीड पानी होती है तो अपना पूरा शरीर झोंकना पड़ जाता है, और ऐसे ही ये स्पीड नहीं आती है। इस कारण से शरीर का पूरा ताकत, पूरा जो वेट होता है उसको आपको गिराना होता है। शोएब अख्तर, ब्रेटली, आप सब इनके सामने हैं, आपने देखा होगा कि तेज गेंद फेंकने के कारण उनको कितनी दिक्कतें होती थी। यही वजह है कि इस समय मयंक यादव को भी दर्द उठा है और वो फिलहाल रेस्ट पे हैं, लेकिन बीसीसीआई की पूरी नज़र उन पे बनी हुई है। बीसीसीआई के कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि पहले ही मैच में मयंक के रफ्तार को देखने के बाद से हर किसी की नज़र उन पे है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये तक दावा किया जा रहा है कि भारतीय टीम अब अपने स्पीड गन के साथ T20 वर्ल्ड कप का सफर शुरू करेगी। माना जा रहा है कि विदेशी पिच पर जब रफ्तार का ये सौदागर उतरेगा तो भारत का वर्ल्ड कप जीतना तय हो जाएगा। मयंक यादव अभी नए हैं, विदेशी प्लेयर उनको कम खेले हैं, उनका लाइन लेंथ शानदार है, ऐसे में अगर वो फिट रहते हैं तो शानदार लाइन लेंथ और खतरनाक स्पीड से वो विदेशी खिलाड़ियों के लिए सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं, और यही वजह है कि भारतीय टीम उनके साथ जाना चाहती है। पाकिस्तानी खिलाड़ी तो अभी से मयंक की रफ्तार देखकर डर गए हैं। दुनिया भर के तमाम दिग्गज क्रिकेटर मयंक की तारीफ में कसीदे गा रहे हैं। सबका मानना है कि अगर मयंक की फिटनेस बरकरार रही तो आने वाले समय में वो दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज बनेंगे। तो इससे बेहतर मौका भारतीय टीम के पास नहीं हो सकता है कि वो अपने T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत रफ्तार के इस सौदागर के साथ करे। और मत भूलिए कि इस बार वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी नहीं होंगे। मोहम्मद शमी ने वनडे वर्ल्ड कप में जो कहर बरपाया था, बल्लेबाज पानी मांगते फिर रहे थे, इस बार वो खौफ अपनी गेंद से मयंक यादव पैदा कर सकते हैं। अगर पहले ही मैच में मयंक यादव बल्लेबाजों पर हावी हो गए तो फिर भारत को T20 वर्ल्ड कप जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा, और यही वजह है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट मयंक यादव पर दांव खेलने के लिए तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मयंक टीम का हिस्सा बन पाते हैं या नहीं, लेकिन देश का हर क्रिकेट फैन उन्हें प्लेइंग 11 में चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि मयंक यादव प्लेइंग 11 का हिस्सा बने T20 वर्ल्ड कप में? कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर एक यादव प्रेमी तक, हर एक क्रिकेट प्रेमी तक वीडियो पहुँचाना आपका कर्तव्य है, पहुँचाइए इसको। नमस्कार।